ओके, एक ऐसा सेंसिटिविटी सेटिंग जिसको ऑन करने के बाद आपका फोन का सेंसिटिविटी आईफोन के जैसा बढ़ जाएगा एंड हाई सेंसिटिविटी होने की वजह से आपका हेडशॉट इजीली लगने लगेगा। एंड सेटिंग सभी के फोन में देखने को मिलेगी, चाहे आपके पास 1 GB रैम का पुराना फोन हो या फिर 8 GB रैम का नया फोन, मतलब सभी फोन में ये सेटिंग आता है। एंड सेटिंग को यूज करना बिल्कुल सेफ है, ना इससे आपका आईडी बैन होगा ना ही कुछ दिक्कत होगा। एंड इवन जो बंदे DPI यूज करते हो उससे भी बढ़िया एंड तगड़ा है ये वाला सेटिंग। सो भाई लोग, मेनली आपका हेडशॉट लगने के लिए जो मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज बोल सकते हो चाहिए, वो है आपका सेंसिटिविटी। एंड इसी एक छोटी चीज के वजह से अच्छा फोन से ज्यादा हेडशॉट लग पाता है एंड थोड़ा पुराना एंड लो एंड फोन में ज्यादा हेडशॉट नहीं लगता है, क्योंकि महंगा फोन में पहले से ही ज्यादा सेंसिटिविटी कंपनी वाले देते हैं, बट थोड़ा मिड रेंज एंड लो एंड फोन में कम सेंसिटिविटी दिया जाता है। बट अभी जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, चाहे आपके पास 2 GB रैम का पुराना फोन क्यों ना हो, उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा एंड उससे आप आसानी से तगड़ा हेडशॉट लगा पाओगे। एंड उस सेटिंग को डिटेल में बताने से पहले भाई लोग, आपका सपोर्ट का हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमारा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है स्ट्राइक की वजह से, इसलिए वीडियोस में व्यूज भी नहीं आ रहा है। आप ही कुछ कर सकते हो, जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड हमारे चैनल को डूबने से बचाओ। अभी चलो देखते हैं वो सीक्रेट सेटिंग क्या है। वो सेटिंग का नाम है पॉइंटर स्पीड। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि पॉइंटर स्पीड को बढ़ाने से आपका स्प्रे गन से ज्यादा हेडशॉट लगता है एंड पॉइंटर स्पीड को कम रखने से स्पेशली शॉटगन से रेड नंबर 1 टैप लगता है। अगर आपको पता नहीं है पॉइंटर स्पीड सेटिंग क्या है, वो कहां पर मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको ऑन करके दिखा दूंगा। एंड इस सेटिंग का खासियत है, इसको अगर आप बढ़ा लेते हो देन आपका स्प्रे गन लाइक MP40, UMP, M4A1, SCAR इन जैसी गन से ज्यादा हेडशॉट लगता है। एंड इस सेटिंग को कम करने से आपका शॉटगन लाइक M10, M18 से ज्यादा 1 टैप लगता है। पॉइंटर स्पीड का सही सेटिंग क्या रखना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, एंड उसके साथ साथ मैं अपना पॉइंटर स्पीड को कितना रखता हूं वो भी बताऊंगा। बट अभी तुमको प्रूफ के साथ दिखाता हूं पॉइंटर स्पीड क्या होता है एंड उसको अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें फायदा क्या मिलेगा। हे गूगल, व्हाट इज द वर्क ऑफ पॉइंटर स्पीड इन मोबाइल फोन। देखो, गूगल बाबा के हिसाब से पॉइंटर स्पीड आपका फोन का सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, तो ये बात है स्ट्रूम शक्ति, हम लोग पॉइंटर स्पीड को बढ़ाने से हमारा सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, बट एक डाउट है। क्या डाउट है? अगर बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाता है तो क्यों शॉटगन से पॉइंटर स्पीड को कम रखने पर तगड़ा 1 टैप लगता है? सुनो, तुम्हें बता देता हूँ शॉटगन का सीन क्या है। शॉटगन या फिर किसी भी 1 टैप गन से हम लोग जब भी 1 टैप मारते हैं, हमारा फर्स्ट गोली एनिमी के हेड पर लॉक होनी चाहिए, तभी ना उसको 1 टैप बोलेंगे। आप 1 टैप मारने के बाद गन को रिलोड करते हो, स्विच करते हो या फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से मारते हो। MP40 UMP के जैसा स्पैम तो नहीं करते हो ना। एंड यहाँ पर पॉइंटर स्पीड अपना जलवा दिखाता है। जब आप पॉइंटर स्पीड का स्लाइडर को बिल्कुल कम कर देते हो, आपका स्क्रीन का सेंसिटिविटी थोड़ा कम हो जाता है एंड उसके बाद अगर आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर जाता है तो वहाँ पर ही लॉक हो जाता है। एंड उसके बाद आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? अरे, हेडशॉट लगेगा और क्या। बट वहीं पे अगर तुम पॉइंटर स्पीड ऑप्शन को कम नहीं करके उल्टा बढ़ाते हो, जैसे कि मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर सीन उल्टा हो जाएगा। पॉइंटर स्पीड को बढ़ाने से आपका स्प्रे वाले गन से ज्यादा हेडशॉट लगने लगेगा, जैसे कि UMP हो गया, MP40 हो गया, अगर इनको चलाओगे तुम देखोगे पहले से ज्यादा गोली तुम्हारा हेड पकड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है पॉइंटर स्पीड को बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। एंड आप सपोज UMP से ड्रैग हेडशॉट मार रहे हो, अगर आपका एम एनिमी के बॉडी पर लॉक है तो वो इजीली बॉडी से हटकर हेड तक चला जाता है हाई सेंसिटिविटी के वजह से। एंड उसके बाद आपका रेड नंबर हेडशॉट लगता है। अगर आपका एम एनिमी के बॉडी पर लॉक हो चुका है देन 1-2 गोली मारने के बाद आपका एम आराम से एनिमी के हेड पर चला जाएगा, जिससे तुम्हारा स्प्रे करने वाले गन से हर वक्त हेडशॉट लगेगा। अभी बात करते हैं मैं खुद अपना पॉइंटर स्पीड को कितना रखता हूं एंड आपको कितना रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर बड़ा सवाल ये है कि पॉइंटर स्पीड को कम रखने से भी फायदा है एंड ज्यादा करने से भी फायदा है। तो हम रखें क्या, ज्यादा या फिर कम? बात करें मेरा, मैं अपना पॉइंटर स्पीड को लगभग 40% के आसपास रखता हूं। उससे मेरा स्प्रे गन से भी हेडशॉट लगता है एंड 1 टैप गन मोस्टली शॉट गन से भी हेडशॉट लगता है। एंड बात करें तुम्हें अपना पॉइंटर स्पीड को कितना रखना है, ये चीज देखो टोटली तुम्हारे फोन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा 40% में काम बन जाता है एंड हो सकता है आपके लिए 50 बेस्ट हो, बट आपको दिमाग में ये रखना है ज्यादा बढ़ाओगे तो स्प्रे गन में ज्यादा हेडशॉट लगेगा एंड ज्यादा कम करोगे तो शॉट गन से ज्यादा 1 टैप लगेगा। एंड बाकी आप चेंज करके ट्रेनिंग खेलो, तुम्हारे फोन के हिसाब से कितना रखना है तुम्हें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। बट उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पॉइंटर स्पीड सेटिंग मिलेगा कहाँ एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। बट उससे पहले जिस
जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लो, क्योंकि इस चैनल में रेगुलर ऐसे ऐसे वीडियोस आता रहता है। ओके, पॉइंट स्पीड सेटिंग के लिए आपके पास जिस किसी भी कंपनी का फोन है उसके सेटिंग के अंदर जाओ एंड ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा, वहाँ पे सर्च करो पॉइंटर स्पीड। देखोगे थोड़ा नीचे आपको पॉइंट स्पीड का ऑप्शन दिख जाएगा एंड वहाँ पे जाकर आप अपने हिसाब से पॉइंट स्पीड को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर पाओगे। एंड अगर आपने सर्च किया एंड आपको पॉइंट स्पीड का ऑप्शन दिखा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फोन में पॉइंट स्पीड है नहीं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसका मतलब ये है कि आपके फोन में पॉइंट स्पीड तो है बट उसका कुछ अलग सा नाम है। आपको क्या करना है, यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च करना है पॉइंट स्पीड ऑप्शन इन सैमसंग, वीवो, रेडमी, जिस किसी भी फोन है आपका, वहाँ पर आपको अपना फोन में पॉइंट स्पीड कहाँ है मिल जाएगा। देखो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पॉइंट स्पीड एक सेटिंग है बस। ऐसा नहीं कि आपको हेडशॉट मारना नहीं आता तो इसको यूज करोगे तो हैकर के जैसा आपका हेडशॉट लगेगा। ये सेटिंग बस आपका सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है जिससे आपका हेडशॉट और अच्छे से लग पाता है। अगर तुम्हें हेडशॉट का ट्रिक सीखना है क्या करने से तुम्हारा हेडशॉट ज्यादा लगता है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, लेफ्ट साइड में वो वीडियो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके देख लो। एंड राइट में हम लोग स्ट्रीम करते हैं, हमारा एक लाइव प्लस गेम प्ले चैनल है, उसको भी थोड़ा प्यार दिखाओ यार।